So we begin with cross product. So here we go. Also known as vector product. Yeah, vector cross product. Let's go. Vector cross product. Yeah, vector product. तो ये क्या चीज़ है? देखिए. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिफाइंड है कि वो एक नया वेक्टर ही होगा. राइट, ए क्रॉस बी वुड बी अ वेक्टर. जैसे ए डॉट बी स्केलर होता था, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा. इनफैक्ट थोड़ी देर में हम देखेंगे कि सीक्वेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. कहने का मतलब B क्रॉस A, आप देखेंगे कि वो एक अलग वेक्टर आएगा, सच दैट इट वुड बी नेगेटिव ऑफ C वेक्टर. ठीक है, अभी हम डिफाइन करें. मतलब दी सिक्वेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि A का B से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं या B का A से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो C वेक्टर जो होगा, इसकी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगी और डायरेक्शन चाहिए होगी. तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगी ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे? डायरेक्शन, बिल्कुल टेंशन लेने की चीज नहीं है, आराम से. अभी अभी अपन ने कुछ सीखा था, वो काम आएगा. देखिए, ये अपन ने ए और बी को बनाया. कैसे बनाया? सबसे जरूरी, कैसे बनाना चाहिए? टेल टू टेल टुगेदर बनाया, दोनों की टेल्स मिलाकर बनाया. ओके, अब सबसे पहले तो समझ लीजिए कि सी वेक्टर की डायरेक्शन, विच इज बेसिकली सी कैप, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास में दो वेक्टर है, राइट, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, राइट. वहां पे भी आप देख सकते हैं दो वेक्टर अपन ने बना रखे. ये बी वेक्टर. ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा सी का डायरेक्शन. तो ऑब्वियसली दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये हो सकती है पॉसिबिलिटी आपकी तरफ और एक मेरी तरफ हो सकती है, राइट. तो उसका डिसीजन कैसे होगा? राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल से कैसे होगा? जो सिक्वेंस में पहला लिखा हुआ वैक्टर है, ध्यान दीजिएगा, जो सीक्वेंस में पहला लिखा हुआ वेक्टर है, पहला कौन सा लिखा हुआ वेक्टर है? ए वेक्टर. राइट, अपने हाथ को अगेन दो ही तरीके हैं रखने के, परपेंडिकुलर लाने के लिए अंगूठा, राइट हैंड रूल ओमेगा के लिए भी यूज किया था अपन ने. या तो मैं ऐसे रख सकता हूँ या ऐसे रख सकता हूँ. राइट, अंगूठा है तो बाहर आएगा, आपकी तरफ आएगा तो अंगूठा, राइट, या फिर अंगूठा मेरी तरफ. और उंगलियां उस पहले वेक्टर की तरफ कर लेनी है जिसका अपन ने वहां पे नाम लिखा. तो लेट्स से ये ए वेक्टर है और मैंने अपनी उंगलियां स्ट्रेच कर ली ए वेक्टर के अलोंग, कर ली ऐसे.
ए वेक्टर के अलॉन्ग उंगलियां स्ट्रेच कर लिया, अंगूठा बाहर। अब क्या मेरी उंगलियां बी की तरफ मुड़ पा रही है? नहीं मुड़ पा रही। मतलब ये जो अंगूठे की डायरेक्शन है ये सी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, इससे उल्टी होगी। उल्टी कैसे हो रही है आप देख सकते हैं। अभी मैंने किया, अब मेरी उंगलियां बी की तरफ मुड़ सकती है क्या? यस। सो ए से बी की तरफ मुड़ना है तो अंगूठे की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें ए से बी की तरफ मुड़ने के लिए तो अंगूठे की डायरेक्शन होगी प्लेन के बाहर, सीधे हाथ की। बी क्रॉस ए करना होगा, बी क्रॉस ए तो उंगलियां आनी तो भी इसके परपेंडिकुलर ही बी क्रॉस ए, लेकिन पहले अपन को करना पड़ेगा बी के अलॉन्ग उंगलियां कि ए की तरफ मुड़ रही है। हाँ मुड़ रही है, तो ऐसे आ गया। यदि मैं ऐसे रख लूँ तो क्या ए की तरफ मुड़ रही है बी से उंगलियां? नहीं मुड़ रही। ऐसे रख लूँ तो मुड़ रही है, ए से बी की तरफ ऐसे मुड़ेंगी, बी से की तरफ ऐसे। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट आ रही है क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। घबराइएगा मत, इसकी अपन बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लेक्चर के बचे हुए पार्ट में। इसकी एप्लीकेशन है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैथ्स ऑन नीड बेसिस, तो अब नीड पढ़ रही है क्रॉस प्रोडक्ट की, इसलिए पढ़ा रहे हैं, राइट। तो सी कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस ए एंड बी, एंड कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट। बस याद क्या रखना है, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है सीधे हाथ की उंगलियां उसकी तरफ। और ये तो पहले ही मान लेना कि आनी डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। 2-5 बार करेंगे तो घबराइएगा मत। ये लेक्चर में हो सकता है आपको जहाँ जहाँ मैं करूँ वहाँ रोक के अपने हाथ को ऐसे या ऐसे कर करके देखना पड़े, ऐसे ऐसे करके देखना पड़े, तो करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अंगूठा इसलिए ताकि वो परपेंडिकुलर हो जाए, ए और बी के अलॉन्ग तो अपना ये आ जाएगा और अंगूठा उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, बस, राइट। सो आगे हम लोग एप्लीकेशन शुरू करें उसके पहले छोटी सी एक दो बातें, जैसे कि दिस इज हाउ यू कैन फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। कहने का मतलब यदि मैं आई क्रॉस जे करूँगा, एरो के अलॉन्ग चलूंगा तो प्लस आएगा, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के। क्या कोई मुझसे पूछ ले भाई जरा के क्रॉस जे बता दो, तो के क्रॉस जे मैं एरो से उल्टा जा रहा हूँ तो माइनस है, क्या एरो क्लॉकवाइज बनेगा आई जे के की सिक्वेंस में। तो बड़ा ईजीली आप बता सकते, K क्रॉस I कोई पूछ ले आराम से बता सकते हैं, ठीक है, राइट। इनफैक्ट कई बार अभी तक हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया था, जैसे कि यदि मैं इसको X और इसको Y बनाऊं, तो Z की डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? यस। अभी तक तो हम इधर ही इधर किधर ही बना लेते थे, लेकिन एक ही डायरेक्शन सोच के बताइए कौन सी। देखिए I क्रॉस J को क्या होना है? K होना है। तो क्या करेंगे, I की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां कर दी, आना तो परपेंडिकुलर, या तो प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर। I की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां कर दी और J की तरफ मुड़ा, ऐसे तो मुड़ रही है मतलब बाहर। यदि मैंने ऐसे कर दी होती तो क्या J की तरफ मुड़ पाती? नहीं मुड़ पाती। इसका मतलब अंगूठा अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा। अंगूठा बाहर आएगा मतलब कि डायरेक्शन वुड बी K। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए आप सही कर पाते हैं कि इस बार। मैं कोई दो डायरेक्शंस बना देता हूँ, लेट्स सी। अब आपको बताना है कि जे कैप इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे गोला बना,
राइट। अब आप देखिए के क्रॉस आई इज कमिंग आउट टू बी जे, मतलब के से आई की तरफ, अब आना तो प्लेन के अंदर या बाहर ही है, के की तरफ सीधे आपकी उंगलियां कर दीजिए, यदि के क्रॉस आई लिखना चाह रहे हो तो इसको देख के हो सकता है आपके के क्रॉस आई लिखने की इच्छा हो जाए। सो के क्रॉस आई इज जे, मतलब कि जे इन टू द प्लेन होगा, चाहे तो ऐसा चित्र बना सकते हैं आप जे कैप और वाई के लिए, नहीं तो कई बार हम लोग ऐसे एक्सिस को ऐसे भी दिखा देते हैं 3D का फील देने के। सो आई होप आपने सही किया होगा और क्रॉस प्रोडक्ट करना थोड़ा थोड़ा आपको आ गया होगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन सीखने के लिए सबसे पहले मैं आप कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसके कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर हम इसको सीखेंगे। पहले कैलकुलेशन, फिर टॉर्क खुद क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सीधे हम लोग बिना समझा टॉर्क क्या है पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टॉर्क के विषय में, जो आपने पता नहीं कितना ध्यान दिया अभी, कि टॉर्क वुड बी डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस ऑफ ओरिजिन। सोचिए इस विषय में, टॉर्क जो है आपकी ओरिजिन की चॉइस पर डिपेंडेंट होगा। जैसा आप जो ओरिजिन चूज करेंगे उसके हिसाब से टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ओरिजिन अलग हो जाएगा, तो सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बावजूद आर अलग अलग हो सकता है। समझ रहे क्या मेरी बात? जैसे कि मान लीजिए यहां हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब यदि मैंने ये एक्स वाई अपना कोऑर्डिनेट ले रखा है तो ये आर वन वैक्टर आ गया, परंतु मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ और ही ले लिया, मैंने ये ले लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसी फ्रेम में हूं लेकिन कोऑर्डिनेट अलग है, विच इज अलाउड। ओरिजिन तो मैं किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी चुन सकता, तो नया इसी पॉइंट का पोजिशन टू कुछ और होगा, मतलब O2 के हिसाब से टॉर्क अलग, O1 के हिसाब से टॉर्क अलग, विच इज एक्चुअली कंसिस्टेंट विद व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द लास्ट क्लास, कि जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं राइट, वो डिपेंड करते हैं कि ओरिजिन क्या है या ऑब्जर्वर कहाँ है। सिर्फ फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते, फ्रेम वुड भी आपने ग्राउंड फ्रेम बोल दिया दी एंड राइट, बट हमने ग्राउंड फ्रेम की जगह बोल दिया ग्राउंड फ्रेम में फला फला जगह से देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में किसी और जगह से देख रहे हैं। तो दोनों केसेस में जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता था, वैसे ही टॉर्क भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग आ रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इसको पहले अप्लाई करना सीखते हैं, फिर अपन टॉर्क के बारे में गहराई से सीखेंगे कि टॉर्क क्या चीज है, ठीक है। लेट से हमने ओ पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल फेंका एम मास का फाई एंगल पे,
ठीक है, हम जानना चाहते हैं जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था राइट, तब ग्रेविटी की वजह से लग रहा इस पर टॉर्क वेक्टर कितना होगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था ये फोर्स लग रहा होगा, एफ वेक्टर लिखेंगे तो माइनस एम जी जे क्या, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर विच वुड बी, कई बार यूज कर चुका हूं, आर बाय टू आई कैप प्लस एच जे कैप, बिल्कुल मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट मैथमेटिकली कर रहा हूं, जो वो सिखाया था करके दिखाना अभी वो नहीं कर रहा, वो भी करूंगा। तो टॉर्क एफ क्रॉस आर है कि आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो ये अपन ने पुट कर दिया इक्वेशन में, ये रहा। तो टॉर्क वेक्टर अपन ने लिखना चाहा इधर, तो ये बन गया माइनस एम जी आर बाय टू आई क्रॉस जे विच इज के, एंड जे क्रॉस जे आप बोलेंगे सर तो आपने बताया ही नहीं, बड़ा आसान है, जे और जे के बीच में कितना एंगल होगा, जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो। सो दैट्स इट, रेंज की वैल्यू आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ। आप बोलेंगे सर प्रोजेक्टाइल में तो कभी आपने फॉर्मूला यूज़ करने नहीं दिया, अब आप यूज़ कर लेते हो रोज, अब जरूरत नहीं है इसलिए। सो दिस इज टॉर्क वेक्टर, कुछ भी इसमें हमने ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं किया, माइनस के कैप में आर। के कैप किधर होगा इस चित्र के हिसाब से, आई होप आप लोग ये भी बना सकते होंगे सही, के कैप क्या बाहर की तरफ होगा राइट, जेड आई क्रॉस जे के बाहर, मतलब कि टॉर्क होगा अंदर की तरफ। ओके, अब एक बार अपन जैसे बेसिक तरीके से किए थे, थोड़ा सा कोशिश वैसे करते हैं। ओके, बेसिक तरीके से कैसे करूँगा मैं, इस बार वेक्टर्स का यूज डायरेक्टली कम करूँगा, मैं टॉर्क को आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड लिख लूंगा टॉर्क का, और जो डायरेक्शन होगी वो सीधे हाथ से निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, सो लेट्स ट्राई दैट, देखिए जी आर एफ साइन थीटा, ये कुछ भी करने के लिए सबसे पहले तो ये डायग्राम सही नहीं है, क्यों नहीं है, वेक्टर्स टेल टू टेल टुगेदर होने चाहिए और ये वेक्टर्स टेल टू टेल टुगेदर नहीं है, तो पहले तो अपन इसको टेल टू टेल टुगेदर ऐसे बना देते हैं कि भाई ये हमारा आर वेक्टर दिख रहा है और ये हमारा एम जी दिख रहा है, ठीक है, और ये हमारा एंगल है थीटा, एक्चुअली ये एंगल है थीटा, या फिर इफ यू अलाउ मी तो मैं इसको पाई बाय टू प्लस अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल पाई बाय टू प्लस अल्फा ही होगा क्योंकि ये अल्फा है, पाई बाय टू प्लस अल्फा। सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर अभी रेंज नहीं है, इज गोइंग टू बी F which is mg into R जिसको अभी हमने निकाला नहीं है into sine of pi by 2 plus alpha
where pi by 2 plus alpha is basically cos alpha, right? So this is mgr cos alpha. Now if you pay attention, r cos alpha this distance is r cos alpha, which we know for sure is how much? R by 2. So you see, we can get the same magnitude. And as far as direction is concerned, that should not be a problem. R vector ki taraf haath kiya. सीधा हाथ या तो अंदर आएगा बाहर आएगा, पहले क्लियर होना जरूरी, तो अंगूठे से कंफ्यूज जाएंगे, यहाँ वहाँ के निकाल देंगे, इस प्लेन में तो आ नहीं सकता, बोर्ड के प्लेन में तो आ नहीं सकता, बोर्ड के प्लेन में क्यों नहीं आ सकती, उसके परपेंडिकुलर ही आ, कैन नॉट लाई इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अपन ने सीधा हाथ ऐसे किया या ऐसे कर लिया, ऐसे किया तो अंगूठा आ रहा है बाहर लेकिन उंगलियाँ मुड़ नहीं रही है, ऐसे किया तो अंगूठा आ रहा है अंदर पर मुड़ के एम जी की तरफ जा रही है, देखिए एम जी की तरफ जा रही है मुड़ के, हेंस अंदर की तरफ, सो टाउ कैप वुड बी माइनस के कैप, दैट्स इट। और मैग्नीट्यूड टाउ का अपन ऊपर निकाला ही था, एम जी आर। सो आई होप थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का प्रैक्टिस हुआ होगा आपको, राइट? टॉर्क के बारे में अब हम आगे फिर से बात